हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटिक सेपियंस। सो आज की वीडियो में बेसिकली हम आपका डिस्कस करेंगे कि जो बेसिकली आपका एनटीएन नीट का रिजल्ट जो अनाउंस करा है, ठीक है, दैट इज बेसिकली जो मेडिकल टेस्ट जो नीट का रिजल्ट बेसिकली डिक्लेयर किया गया 13 जून को। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको इसमें हाईलाइट करूंगा, जैसे इस बारे कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए और बेसिकली एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर्स। तो यहाँ पर सब एंटी ने सब डिटेल्स यहाँ पर हमारे साथ शेयर की हैं एंड कट ऑफ क्या रही है डिफरेंट कैटेगरीज की, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ए प्रेस रिलीज फ्रॉम एनटीए बेसिकली अबाउट द रिजल्ट ऑफ द नीट जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर तो चलो थोड़ा सा इन्होंने बेसिकली डिटेल्स बता रखी हैं कि कहाँ कहाँ पर एग्जाम हुआ है, कितनी सिटीज में हुआ है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में हुआ है, ठीक है। आउटसाइड इंडिया भी कहाँ कहाँ पर एग्जाम कंडक्ट किया गया है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो बेसिकली ये एक लिस्ट इन्होंने यहाँ पर 2019 से लेकर 23 तक की वो हाईलाइट करा है कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर बेसिकली आपके इन 4-5 साल में कितने स्टूडेंट्स आपके रजिस्टर्ड किए हैं, ठीक है। तो इफ आई सी कि मतलब अगर हम रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स देखें, सो इन 2019 इट इज समथिंग अराउंड 15,19,000, ठीक है। देन इन 2020 इट वॉज 15,97,000, मतलब अप्रोक्सीमेटली 16 लाख पीपल और 16 लाख स्टूडेंट्स अपीयर फॉर दिस एग्जाम। इन 2021 दिस फिगर इज ऑल्सो इंक्रीज टू 16,14,000, ठीक है। एंड अप्रोक्सीमेटली 18,72,000 स्टूडेंट्स अपियर इन 22 एग्जाम। और इस साल तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया, दैट इज 20,87,000। तो अप्रोक्सीमेटली 21 लाख स्टूडेंट्स ने जो इस साल नीट का फॉर्म बेसिकली फिल किया, ठीक है। थोड़ा सा बस ये है कि अपियर उसमें से 20,38,000 हुए, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि इंडियन नेशनल्स कितने थे, एनआरआईस कितने थे, चलो तो वो तो एक बेसिकली एक डाटा सा है, बट मेन इंडिकेशन इज दैट कि ईयर बाय ईयर ज्यादा स्टूडेंट्स आपके नीट के एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे देखा। आफ्टर दैट बेसिकली यहाँ पर इन्होंने लैंग्वेज बता रखी है कौन कौन से स्टूडेंट ने कौन कौन सी लैंग्वेज को ऑप्ट किया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर एज यू कैन सी दैट इज इंग्लिश। यहाँ पर बेसिकली लिस्ट बता रखी है कि अबाउट द जेंडर वाइज कि कितने रजिस्टर हुए, कितने अपीयर हुए, कितने क्वालिफाई हुए, ठीक है। सो दिस इज जस्ट ए स्टैट्स की आउट ऑफ टोटल कैंडिडेट्स जो भी जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराई थी, तो उसमें से बेसिकली मेल फीमेल ट्रांसजेंडर वो कितने थे, ठीक है। सो द मेन थिंग इज बेसिकली यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी उन्होंने आपको नंबर दिया है, ठीक है। सो यू कैन सी कि बेसिकली काफी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हर एक कैटेगरी के बता रखे हैं कि कितने कितने स्टूडेंट्स जो थे बेसिकली जो डिफरेंट कैटेगरीज के जिन्होंने अपीयर किया। जैसे ओबीसी बता रखा है अराउंड 8,73,000, ठीक है। एससी 2,94,000, एसटी 1,26,000, जनरल कैटेगरी 5,92,000 एंड ईडब्ल्यूएस 1,52,000। तो ये जस्ट एक आपको उन्होंने कैटेगरी वाइज भी बता रखा है। तो ये सब कंपैरिजन है, इन्होंने कुछ में तो 4-5 साल का कंपैरिजन है जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में, और कुछ इन्होंने लास्ट ईयर के कंपैरिजन कर रखा है कि कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर करे, हाउ मेनी ऑफ देम गेट अपियर्ड और कितनों ने क्वालिफाई करा। नो दिस इज द मेन थिंग कि जो कट ऑफ है, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, जितने भी कैंडिडेट्स बेसिकली होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कट ऑफ मार्क्स है ये 50th परसेंटाइल निकाला जाता है। परसेंटाइल का बस ही मतलब होता है 50th परसेंटाइल, मतलब आपके जो मार्क्स हैं जितने भी स्टूडेंट्स बेसिकली बैठे थे उनमें से 50% बच्चों से आपके नंबर ज्यादा है, ठीक है। जैसे मान लो 100 बच्चे बैठे एग्जाम में, तो 50 स्टूडेंट से नंबर आपके ज्यादा है, वो 50th परसेंटाइल होता है। तो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आप 22 में कट ऑफ देखोगे तो दैट वॉज बिटवीन 7715 एंड 117, एंड नाउ दिस इज बिटवीन 720 एंड 137, ठीक है। ये बेसिकली जो कट ऑफ होती है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि एक तो स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर अगर हम
अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लास्ट टाइम इट वाज लाइक 8,81,000, बट इस बारी जो है वो 10,14,000, तो इतने सारे स्टूडेंट्स अपीयर हुए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एग्जाम का लेवल कैसा है, उसके अलावा फिर कितने कैंडिडेट्स हैं, कितनी मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स हैं, तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं परसेंटाइल को डिसाइड करने वाले। ठीक है, और बाकी कैटेगरीज के लिए आप देखोगे तो जैसे ओबीसी के लिए क्या था मतलब लास्ट ईयर, तो ये कंपैरिजन है, जैसे ओबीसी एससी एसटी के लिए दैट इज इन इनके लिए 40th परसेंटाइल हम देखते हैं कि 40% बच्चों से इनके मार्क्स ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, सो ये यहाँ पर कट ऑफ आपको दे रखी है। ऐसे ही अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड पीएच, तो वो भी उसके साथ भी कंसिडर, मतलब अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, जैसे आप मिनिमम देख रहे हो 40th परसेंटाइल चाहिए। ठीक है, तो ये एक बेसिकली उन्होंने हमें मार्क्स बता रखे हैं कि कितने मार्क्स आपको चाहिए कि अगर आप बेसिकली देन यू आर बेसिकली कंसिडर्ड एज क्वालिफाइड। ठीक है, क्वालिफिकेशन एक अलग चीज है, बट टू गेट एडमिशन तो आपको पता है कि डिफरेंट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं डिफरेंट स्टेट के, क्योंकि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उसमें 85% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो तो बेसिकली आपके स्टेट को ही, जिनके पास डोमिसाइल होता है वही होते हैं, बाकी 15% उन सारे उन सीट्स की, जितने भी 15% ऑफ द टोटल सीट्स हैं वो आप ऑल इंडिया रैंक के बेस पे वहां पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर आपको डिटेल बता रखा है। नो डाउट कट ऑफ जो है वो अगर आप डिफरेंट कैटेगरीज की देख रहे हो तो वो लास्ट टाइम से जो है वो ज्यादा है, उसका पीछे एक मेन रीजन ये भी है कि कैंडिडेट भी ज्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, बाकी उन्होंने स्टेट वाइज बता रखा है कि कहाँ पर बेसिकली कितने कितने आपके स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बेसिकली एग्जाम के लिए रजिस्टर करे, अपीयर करे और क्वालिफाई करे। ठीक है, जैसे आई एम लाइक राइट नाउ इन चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ के अंदर 3,160 इतने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया, आउट ऑफ देम 3,098 गेट अपीयर्ड एंड 2,219। ठीक है, तो मतलब 2,219 स्टूडेंट्स ने आपका क्वालिफाई किया। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट का आप देख सकते हो तो कहाँ पर कितने स्टूडेंट्स थे, कितनों ने बेसिकली इस एग्जाम को आपका बेसिकली अपीयर किया और कितनों ने। ठीक है, तो आप देख सकते हो यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में 1,39,961। ठीक है, तो इतने सारे स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, बट क्वालिफिकेशन डज नॉट गारंटी डज नॉट गारंटी यू ए गवर्नमेंट सीट, वो तो जस्ट एक क्राइटेरिया की इतने बच्चों से आपके नंबर ज्यादा हैं। ठीक है, तो मतलब तो आपको वो परसेंटाइल है। ठीक है, परसेंटाइल जस्ट इंडिकेट्स कि वेयर डू यू स्टैंड एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 50th परसेंटाइल तक को ये कट ऑफ मानते हैं। ठीक है, उससे जिसके कम नंबर ज्यादा है जनरल कैटेगरी में, जो जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा कि 137 या 136 जो भी था आपका, एज यू कैन सी, सो दिस वॉज 137 मार्क्स। ठीक है, मतलब जो भी जिनके भी मार्क्स इससे कम है दे आर नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, बट यू नो दैट कि हर एक स्टेट में अलग अलग कट ऑफ लगती है, तो वहां पर जितने भी मार्क्स होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर लिस्ट ऑफ टॉप 50 कैंडिडेट्स भी बता रखी है कि क्या क्या उनका कौन कौन सी कैटेगरी और उनके कितने कितने मार्क्स आए हैं। सो द फर्स्ट रैंक गोज टू द स्टूडेंट फ्रॉम तमिलनाडु, ही स्कोर्ड फुल मार्क्स 720, सो कंग्रेचुलेशन टू हिम। एंड द जॉइंट फर्स्ट रैंक ऑल्सो गोज टू वन ऑफ द स्टूडेंट लाइक दिस, एंड ही इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ठीक है, सो यू कैन सी कि कितना ज्यादा आपको मार्क्स स्कोर करना, कि स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग 100% मार्क्स। एंड यू कैन सी अगर हम टॉप 50 को देखें तो टॉप जो 50 भी जिसका रैंक है उसके मार्क्स भी अगर आप देखोगे तो दैट इज 710। तो आप ये देख सकते हो कि मतलब 720 और 710, मतलब 10 नंबर के बीच में आपके यू हैव 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, कि 50 स्टूडेंट्स हैं ऐसे फीमेल टॉपर्स का बता रखा है इसमें कि हम कितने मार्क्स उन्होंने स्कोर किए और वो कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये सारा एनटीए ने सब रिजल्ट दिया है, टॉप जो 20 मेल टॉपर्स हैं उसके बारे में बताया है। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट लिस्ट, PWBD ये जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स बताए हैं मेल कैंडिडेट्स के। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पर एनटीए ने सारा का सारा हमें डाटा दिया कि डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर कौन सा टॉपर है,
कौन सी रैंक है उसकी, कौन से स्टेट से वो बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये सभी एक तरह से ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है। एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स। द DGHS, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कंडक्ट द काउंसलिंग फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सीट्स ऑफ ESIC, AFMC, BHUN, AMU। कैंडिडेट्स में विजिट द वेबसाइट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। कैंडिडेट्स विल अप्लाई फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जितनी भी सीट्स हैं, 15% ऑफ द सीट्स इन ऑल द जितने भी ये आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या जितने भी आपके हर एक स्टेट की यूनिवर्सिटी है, तो उसमें 15% कोटा जो होता है वो बेसिकली ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे फिल हो सकता है, ठीक है। फिर अभी एक ये बताया कि अगर तो टू और मोर कैंडिडेट्स के इक्वल मार्क्स हैं, परसेंटेज स्कोर इक्वल है, तो मेरिट इस बेस पे डिटरमाइन होगी। तो कैंडिडेट जिसके ज्यादा मार्क्स या ज्यादा परसेंटेज स्कोर बायोलॉजी में है, ठीक है, अगर बायोलॉजी में भी इक्वल है तो देन दे विल गो फॉर केमिस्ट्री पार्ट। अगर केमिस्ट्री में भी इक्वल है देन दे गो फॉर फिजिक्स, ठीक है। सो अगर उसमें भी इक्वल है तो फिर कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं, कितने करेक्ट हैं इन ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। कैंडिडेट विद लेस प्रपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर्स एंड करेक्ट आंसर्स। अब वो भी आप अगर इनकरेक्ट और करेक्ट टोटल में इक्वल हैं तो फिर ये देखा जाएगा कि इनकरेक्ट और करेक्ट बायो में कितने हैं। अगर वो भी दोनों बायो में इक्वल हैं तो फिर देन दे विल गो फॉर केमिस्ट्री एंड देन दे विल गो फॉर फिजिक्स। तो ये टाई ब्रेकिंग के कुछ आप कह सकते हो कुछ रूल्स हैं, एंड उन रूल्स को फिर फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि मार्क्स अगर इक्वल आए तो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मार्क्स बिल्कुल इक्वल होंगे, तो उस केस में बेसिकली सबसे पहले वो बायो देखेंगे कि किसका परसेंटाइल बायो में ज्यादा है, बॉटनी जोलॉजी में ज्यादा है, ठीक है। अगर वो भी दोनों में इक्वल है देन दे हैव टू गो फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है। तो ये सब एक तरह से रूल्स होते हैं जो भी बेसिकली यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इसमें मैंने सिर्फ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जो नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने इस एग्जाम को अच्छी रैंक से क्वालिफाई करा है, बिकॉज यही आप ही सब हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हो। और आई विश ऑल द बेस्ट कि आगे आप अच्छे से MBBS करें और आगे जो भी आपका गोल है आप उसको अचीव करें। कईयों को होता है कि मुझे स्पेशलाइजेशन में जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली विल गो, पहले आप MBBS डिग्री करेंगे, उसके बाद जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है, और जिन स्टूडेंट्स का नहीं भी हुआ है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर एक प्रेशर होता है कई बार ना, क्योंकि प्लस टू वाली एक ऐसी स्टेज होती है कि कई बार बच्चा बहुत ज्यादा प्रेशर ले जाता है कि नहीं मेरा अच्छा स्कोर नहीं आया। देखो ऐसा कुछ नहीं है, देखो हमने मेहनत किया है, तो बेसिकली अगर हमने हार्ड वर्क किया तो कोई बात नहीं, देर आर सो मैनी ऑप्शंस, ठीक है, और भी ऑप्शंस होते हैं। कई बच्चे चलो ड्रॉप भी करते हैं, ठीक है, अगर हमने प्लस 1 प्लस 2 ठीक से नहीं किया तो आप ड्रॉप करो, आप उस एग्जाम की दोबारा से तैयारी करो, ठीक है, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है, ठीक है। अब आप देखो ना, इतने सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर होते हैं, ठीक है, और लिमिटेड से स्टूडेंट्स को ही सीट्स मिलते हैं, बहुत सारे को नहीं मिलती, बट कोई ना कोई बेसिकली हमारे लिए पाथ बनता है, और कई बार तो ऐसा होता है हमारे लिए और भी अच्छा होता है वो चीज, ठीक है। तो इस चीज से हमें डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो एक बिलीव करता था, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो मेडिकल स्टूडेंट, तो चलो हमारे टाइम में ऑल इंडिया PMT होता था, नहीं हुआ, आई स्टार्टेड माई ग्रेजुएशन, तो मेरे को ये होता था कि हमने तो मेहनत करनी है बस, हमने तो सिर्फ हार्डवर्क करना है, डेडिकेटेड होके हमने पढ़ाई करनी है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बस हमसे यही चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कोई हमारे ऊपर इतना प्रेशर, ठीक है, कई बार प्रेशर भी होता है बच्चों के ऊपर फैमिली की तरफ से कि आपको ये एग्जाम ही क्रैक करना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, तो हर एक फैमिली में अलग अलग सर्कमस्टांसिस होते हैं, अलग अलग होते हैं, क्योंकि मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ आपके सामने, बट कोई बात नहीं है, दिस इज जस्ट ए पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। कई बार एग्जाम नहीं कंडक्ट क्लियर हुआ, बट आई टोल्ड यू कि बेसिकली आफ्टर दैट जैसे मैंने ग्रेजुएशन करी, तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने बहुत सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया, जो भी मेरे MSc एंट्रांसेस होते थे, तो वो चीजें मुझे हेल्प करी जो मैंने प्लस 1 प्लस 2 में मेहनत करी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने मास्टर्स के बाद नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया, तो बेसिकली जो मेहनत हम करते हैं दैट हेल्प्स अस, कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, हमने अपना काम किया, ठीक है, ठीक है। नो डाउट कॉम्पिटिशन भी काफी ज्यादा है आजकल, आप देख रहे हो कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है कि
मतलब यू नीड टू बी बेस्ट, आपको अपना बेस्ट एफर्ट देना होता है, बट इट्स ओके. तो इसमें कोई वो नहीं है, जिनका हुआ है उनको आई विश ऑल द बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर, और जो नहीं भी कर पाए हैं दे शुड प्लान कि हमें इसके लिए ड्रॉप करना है या बेसिकली किसी और फील्ड में जाना है. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कहीं, अब हमारे पास आते हैं कि हमने तो नहीं, हमने तो MBBS नहीं करना, हमने कुछ और करना है. ठीक है, तो चलो, बहुत सारी आज के टाइम में तो बहुत सारी फील्ड्स हैं आपके सामने जो ओपन है, एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस फ्रॉम आवर साइड सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑल्सो. थैंक यू सो मच.